वहीं सीधे चलेंगे नई दिल्ली, जहां संसद भवन से पीएम मोदी लाइव हैं। और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। मान्य सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की, विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानव की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग, 140 करोड़ नागरिक, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो संसद भवन परिसर से